नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल में मैं हिमांशु स्वागत करता हूँ। हम पहुँच चुके हैं मदारिया के ग्राम पंचायत के सरपंच के पास। इनसे जानते हैं कि इनकी ग्राम पंचायत में क्या क्या बदलाव हुए चार साल में, क्या क्या या विकास के कार्य हुए, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या रोड की बात करें, किस प्रकार या विकास हुए। आप जैसे कि देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत का जो भवन बना हुआ अटल सेवा केंद्र, वो भी बहुत ही अच्छे व्यवस्थित बना हुआ है। तो हम इनसे जानते हैं किस प्रकार यह विकास हुआ और गवर्नमेंट ने अभी एक नया बदलाव कर दिया, इसके ऊपर उनका व्यक्तिगत विचार क्या है। सर, जैसे कि चार साल में आपके यहाँ क्या क्या विकास हुआ है? मेरे चार साल में सर मैंने गांव में सीसी रोड बनवाए और एक से अटल सेवा नहीं वो कृषि सेवा केंद्र बनाया और हेडपम्प भी लगवाए, ट्यूबवेल बोर भी लगवाई, सभी विकास के काम कराए मैंने। और जो ये बदलाव किया अभी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, वो हकीकत जानना चाहते हैं तो सही नहीं है। वैसे तो कुछ न कुछ तो पढ़े लिखे होने चाहिए इसमें, चाहे आठवीं नहीं होता है, पाँचवीं भी होनी चाहिए। अगर अनपढ़ सरपंच बनता है तो फिर उसको कोई डाक आती तो डाक से भी पढ़, वो खुद नहीं पढ़ सकता तो फिर वो क्या सरपंच ही करेगा। वो ये कहना है मेरा सर कि जैसे कि इतना विकास होने के बाद भी आप बता रहे कि सीसी रोड बने, ये भवन बने, अभी भी जनता के बीच में से कौन से मुद्दे रह गए कि जो अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं? मेरी पंचायत में सबसे पहले तो ये पानी की समस्या बहुत ज़बरदस्त है। आठ गांव लगते हैं राजस्व, आठ गांव है, आठों गांवों में पानी की अभी तक कोई सुविधा नहीं है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ पानी की सुविधा हो जाए, उसके बाद दूसरे विकास बाद में हो तो भी कोई बात नहीं, मगर सबसे पहले पानी की व्यवस्था चाहिए। जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है कि सबसे बड़ी समस्या पानी की है, एक व्यक्ति के लिए सबसे पहले चीज़ प्राथमिकता की चीज़ों में भोजन और पानी आता है, तो पानी की समस्या सबसे पहले होनी चाहिए। चाहे रोड बाद में बन जाए या विद्यालय बाद में बन जाए, पर जो दैनिक कार्य में उपयोग में आने वाला पानी, उसकी समस्या सुलझना चाहिए। ये थे हमारे साथ मदारिया ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, और इन्होंने बताया अपने ग्राम पंचायत के बारे में क्या क्या या विकास के कार्य हुए, और जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी नई बदली है उसके बारे में बताया कि वह अनुचित है एक हिसाब से देखा जाए तो। इन्होंने धन्यवाद देते कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमें दिया। धन्यवाद सर।